राजधानी दिल्ली में आप विधायक और सैनिटरी इंस्पेक्टर के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दिल्ली नगर निगम के मॉडल टाउन में कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता ने इसी इलाके में विधानसभा के एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी पर मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि रविंद्र कुमार अपने कार्यालय में दोपहर के समय बैठे हुए थे। उसी समय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली नगर निगम कार्यालय गए और उन्हें बुलाकर अपने साथ लालबाग एरिया में ले गए। वहां रविंद्र गुप्ता की इतनी पिटाई की कि उनके कान से खून आ गया। काम नहीं कराते हो, मैं तुम्हें नौकरी करने सिखाऊंगा। तो उन्होंने फिर इसे इतने में मेरे डंडा उठा लिया, फिर थप्पड़ मारे यहाँ पर जो घूंसे थप्पड़ मारे, घूंसे मारे टांग में यहाँ पर इस जगह पर जो कौन व्यक्ति था जिसने 6-7 जने थे वे जो और एक उनका मेरा नाम नहीं पता, अखिलेश पति त्रिपाठी जी का तो नाम मुझे पता है, एक उनका ड्राइवर था और वहाँ पर और एक जो उसका एक था गुसाई नाम की मुझे पता है जी। दरअसल मॉडल टाउन चौकी नंबर 4 इलाके में सफाई को लेकर ये विवाद हो रहा है। रविंद्र का आरोप है कि विधायक यहाँ की परेशानी को सुनते नहीं है। वहीं इसी मामले में विधायक जी का कहना है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। फिलहाल आदर्श नगर थाना पुलिस दोनों तरफ के बयान लेकर जांच कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री, दिल्ली।